स्वागत है आप सभी का। साथियों, यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में फॉर्म को भरे हुए हैं तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज हम आप सभी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशंस देने वाले हैं। बिकॉज ऑफ साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नवंबर मंथ में आपकी परीक्षा है, नवंबर लास्ट वीक में आपकी परीक्षा है, तो आपकी कब फिजिकल होगा, परीक्षा के बाद यानी आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, आज की इस वीडियो में जान जाओगे। साथियों, हम आप सभी को बता दें, इसका फिजिकल काफ़ी टफ भी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, आप लोग आसानी से प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं फिजिकल को, आज की इस वीडियो में जान जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और साथियों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। साथियों, सबसे पहले हम आप सभी को एक फिजिकल के बारे में सब कुछ आउटलाइन बता देना चाहते हैं कि मेनली आपको फिजिकल में क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग साथियों फिजिकल के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे, आपको तुरंत पहले रेस कराया जाएगा। 1600 मीटर की रेस होगी, मेल कैंडिडेट वालों को 6 मिनट में करना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट वालों को 8 मिनट में करना पड़ेगा। रेस के बाद तुरंत आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, मेल कैंडिडेट वाले 14 फीट जो कि लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और फीमेल कैंडिडेट वालों को 10 फीट की लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। साथियों, हम आप सभी को बता दें, हाई जंप करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट वालों के लिए 3 फीट 9 इंच, और फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए 3 फीट की हाई जंप होगी। नेक्स्ट आपका हाइट नापी जाएगी, मेल को 170 सेमी होनी चाहिए हाइट, और फीमेल का 157 यानी 157 सेमी होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेमी तक रहेगी तब भी चलेगा, और एससी एसटी कैंडिडेट 155 यानी 155 सेमी फीमेल कैंडिडेट वालों की हाइट लिया जाएगा। आगे देखते हैं सीना, साथियों मेल कैंडिडेट वालों के लिए 81 से 85, एंड एसटी कैटेगरी से यदि कोई भी मेल कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसका 76 से 80 सेमी जो कि सीना लिया जाएगा। साथियों, हम आप सभी को या एक फिजिकल की आउटलाइन बता दिया कि फिजिकल में क्या क्या आपका होगा, और अब बता देते हैं साथियों आपकी परीक्षा के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा। साथियों, हम आप सभी को सबसे पहले बता देना चाहते हैं, फिजिकल के लिए आपको 2 मंथ से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। साथियों, हम आप सभी को बता दें, नवंबर लास्ट वीक में आपकी जो कि फिजिकल रिटन एग्ज़ाम जो भी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तुरंत आपकी जो कि उसके 1.5 से 2 मंथ बाद आपकी फिजिकल कराई जाएगी। साथियों, हम आप सभी को पूरा क्लियर बता देना चाहते हैं, फरवरी फर्स्ट वीक में आपकी फिजिकल होगा, तो आप लोग उसी के आधार पर अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, अभी से करिए या फिर बाद में चलकर करिए, आप लोग उतना मान लीजिए कि 1.5 से 2 मंथ ही आपको मिलेगा फिजिकल के लिए। तो आपको हमने बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया, यदि आप भी एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो साथियों फिजिकल के लिए भी आप लोग इतना जान लीजिए कि 1.5 से 2 मंथ ही केवल आपको मिलेगा, आप लोग उसी के आधार पर अभी से अपना प्रिपरेशन फिजिकल के लिए भी करिए। तो साथियों, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। और चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।